Hey guys, touch the layer everyone and welcome back to my channel. Ani tiringa jinjin dung di nalangi kiran sula laughing ballet kande soku me on di tei. An laughing ballet di ti pelo yu di style dimde. Jidangi nang zo laughing da ballet dinzo da laughing da sawara ine. Laughing ballet lani kiran zo sanye dinda bado. Samanyuna tiring jin dung nalangi kande soku me kande sadang kande ime yo. Ti di mune pe gaji style re lasu yo. Pele ini sahur ini lah, sebab ni pe tarik oleh relas pele yo. Henti ni rupa jigi recommend je so, kena orang di kajian suai mail ni yo. Tapi cidang ni korang di na, korang pele ni lejo jigi re, ani korang di lah so. Ani kena labing ni sudu sedang singgi tu ini pele ini orang di ini style di ya ga sahur relas yo. Henti ni ni tung di na langa orang di tengin, an cangma la joyung berdua ye. Ti ni tung di na la cidang ni pele sedang. Anjam do laughing sedang, laughing kau sedang lain dah laughing kau je. An sibin sedang, ti kerang tu ti sum naga sum cangai lagi de. Anu video di mutu ni silo nang skip macam je. Kerang tu skip je nang kerang tu. Tuh di gaji kasih kasih skip je deng anjo kari kari lu kau mekan di gaji proses di kau suim nani kasih jauh nang kiji tu do. Oh kerang di lu minda oh di lim do an pagi tu do an dero jauh kau tu do anu on di jenia. Video di mutu na kajian di resepi rau ni resepi di skip cinta na kerang khusyuk mari hundi jenai. Anjam do diring di cipu member jengi anjam do ni kaya ke ni betis anjam do kaya na samsung yang kaya ke kajian kaya na na mission balik khusyuk layo. Tapi mangpo video di lewenga ini rang cewa samgi do kajian la na. Tinggal mangce do kaya ke khusyuk do. Tapi cidang anjo pepe tinggal mangce khusyuk le ini anjam do kaya kaji tapsi jengi. An cangma la diring itu di cowo yang berdaya. Okay guys, so तो आज के रेसिपी में आपको देखने के लिए मिलेगा टिबेटन पॉपुलर लाफिंग वाले, which is very popular in Tibet. So तो आज के वीडियो में आपको एक चीज नहीं, तीन चीज सीखने के लिए मिलेगा. वो क्या-क्या है बोले तो आपको पहला आपको व्हाइट लाफिंग कैसे बनाना है वो सीखने के लिए मिलेगा. सेकंड आपको टिबेटन रोटी कैसे बनाते हैं वो भी सीखने के लिए मिलेगा. थर्ड आपको लाफिंग पेस्ट होता है ना वो चिली पेस्ट वो भी कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा. तो आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आए और स्किप कर मत करना. ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा. और होप करती हूँ आप सबको मेरा हिंदी समझ में आ रहा होगा. मैं अजाना हिंदी क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग सबटाइटल मांगते रहते हैं. क्यों सबटाइटल मांगे तो मेरे पास इतना थोड़ा टाइम का ये नहीं है, तो इसलिए मैं कंटिन्यूस नहीं कर पाता हूँ. फ्यूचर में आप साथ में लेके आने के लिए ये करूँगी, पर फिलहाल अभी मेरा टूटा फूटा हिंदी चला लीजिए. और चलो हम रेसिपी बनाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते. ओके गाइस, सो पहले हम एक पतीला ले लो, पानी है ना 3 कप डालेंगे हम. तंग जो हयांग तोंगबा नंग लंग जो 2 कप सुम लु अन दी दी साइड लाशा कप चिक दी दे ले लो. ये है कॉर्न स्टार्ट. तो 3 कप पानी हमने यहाँ डाला है और 1 कप यहाँ डाला है. टोटल हमने पानी यूज़ किया 4 कप. 4 कप पानी के लिए हमने 1 कप कॉर्नस्टार्च चाहिए. तो कोई कॉर्नस्टार्च बोलता है और कोई कॉर्नफ्लोर बोलता है. तो दूषित तेलू अन्य टुरु या को तंग रख अन्य दूषित का जी मिंग देंगे पर देशा ये करना जो निश्चिता. तो इसको मिक्स है ना ठंडा पानी में करना है. गर्म पानी में करेगा तो ये पूरा कट्ठा हो जाता है, इसलिए हमें ठंडा पानी में करना है. 1/2 टीस्पून इतना हम नमक डालो इसमें टेस्ट के लिए. तो दिन अच्छा थोड़ा चुनचुन छेगा लू रहा अन्य दीदी ड्रॉ ले लरे. तो दी टूटू या वो तंग था ना दीदी साइड लाशा अन्य देखे चुच लामा दिम दे दीदी अंजो हायां नल कोई रे तंग शो दी कोई चु अन्य दीसी ने अंजो दी लू ने टूटू ताये रे. ओके, तो अभी हमने ये मिक्स कर लिया है, तो इसको रखो अब साइड में. अभी ये पानी हमें पहले बॉईल करना है इसको ना. ओके गाइस, तो अभी हमारा पानी भी उबल गया है. ये एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसको ना. तो हम जो छू दी खोल सो यो अन्य दी तीस तीस लुगी लुगी यो थाउमा जिले देव जिले मालू जे यो देव जिलू ना दो तो छे रे यो जनी यो चुरु तंगी तंगी यो दीजिए. ये एक बार में डाले तो पूरा कट्टा हो जाएगा और हमें हिलने में भी प्रॉब्लम होगा और ये अच्छा से भी नहीं हो. तो इसलिए ना इसको इसके तरीका है थोड़ा थोड़ा करके
ऐसे मिक्स करने है कंटिन्यूसली आपको ऐसे मिक्स करते रहना पड़ेगा इसको ना। फ्लेम मैंने ना मीडियम फ्लेम में रखा है इसको ना। मैं दिए टिंग टिंग शायद मैं छेड़ा ना मजु चुरु यहाँ तंग मतना तो चाहिए साइड छेड़ के रे छिके रे। तो अभी हमने पूरा डाल दिया है। अभी पूरा डालने के बाद हमने अच्छा से मिक्स करके ना एक मिनट जितना हमने पकाना है, इसको ज़्यादा लंबा पकाने जरूरत नहीं है। ज़्यादा पकते रहेगा ना ये पूरा गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी ऐसे हो गया देखो ट्रांसपेरेंट की तरह। तो इसके थिकनेस इतना चाहिए हमें देखो। तो ठीक है जी खड़ ले लाना एक स्कोर देखे ना तुम्हें तो लेट हो जी पड़े लड़ा ने खड़ दू ला ना जो लविंग सगा लम अभी ऐसा संग बोले छा दू तो लम संग लो अनि यंग थुक जाने ठीक है जी ठाकुर छान ना यंग तीसरा शिम्बो मिल ठीक है जी यक्का वो थी अनि तांजो दिनाला नुम तेज चूरो तो ये तेल लगाएगा तो इजीली निकल देगा लास्ट बाद में ना। तो इसलिए हम तेल लगाना है थोड़ा सा। धनिया जस्ट ऑप्शन है थोड़ा नीचे डाल दो ऐसे ये थोड़ा सुंदर देखने के लिए। बेसिकली ये आपको ज़रूरी नहीं है ये ऐड करने के लिए। और ये इसको ऊपर से ये डाल दो दोबारा ये बीच में भी ऐसे डाल दो। तो धनिया देंगे दास लुए दया खेरा जो लू मालू सोच दे बढ़ता मिक्सर लुओ मार देना ना यो इन्हें निंग चू थोंगे दंग तीस जंगू जंगू थोड़ा निंग चू थोंगे दा अन्य शिम्बो है योर दया खासे मगाए मी ना मालू ने ठीक रे दोनों डाल दिया। एक धनिया वाला है एक विदाउट धनिया ये प्लेन वाला ये है। तो अभी ये जब तक ठंडा ना हो तब तक हम ऐसे ही रख देगा इसको ना। ठंडा होने के बाद हम फ्रिज में रख देगा ये ना। तो ये स्वीट होने में कम से कम आपको 3 घंटा तो वेट करना पड़ेगा इसको खाने के लिए ना। तो दीदी दादा जो छो छो फ्रिज ना छाए यो मारे तो दीदी टंग छा जुड़ो अन टंग छाए छाए चल फ्रिज ना छाए न्यूंगा लिखे ना जो छो सुम सुखे रे। नेक्स्ट हम आटा गूंदे रोटी के लिए और 1 टीस्पून चीनी डालो। ये चीनी इसलिए थोड़ा यीस्ट एक्टिव करने के लिए ना थोड़ा इसलिए। तो पहले इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालो और चीनी को थोड़ा मेल्ट होने दो ना। अब जब भी यीस्ट डालेगा ना तो हम गरम गरम में भी नहीं डाल सकते हैं। गरम गरम में डालेगा तो यीस्ट मर जाता है और ठंडा ठंडा में यीस्ट डालेगा तो एक्टिव करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसको हमेशा लुक वार्म चाहिए। तेंगे दिना ला खरे मजो पाले का जो डुबसी दी चे रे अंदीना ये दिना ला चीनी खा चेन लुई ना चीनी दी मजो यीस्ट दी एक्टिव छाए लयो ओं दी चेन लुई ते दी दी मजो डेंजम गोर द चू सो दियो ने ये लुक होम हो गया है। तो 1/2 टीस्पून यीस्ट को डालना है। वैसे आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं मेरे पास बेकिंग पाउडर नहीं है। थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ ज़्यादा नहीं 1/2 टीस्पून इतना। ये सिर्फ टेस्ट के लिए है। और हमने मैदा क्यों यूज़ किया क्योंकि ट्वेरन रोटी थोड़ा मोटा होता है इसलिए या तो हम वाइट आटा यूज़ करते हैं या तो मैदा यूज़ करते हैं इसलिए। और आप हेल्दी चाहिए तो आप नॉर्मल आटा भी यूज़ कर सकते हैं बट आटा का मोटा रोटी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है इसलिए आटा का रोटी हमेशा पतला ही अच्छा लगता है ये मेरा मानना है। तक जो दिन आएंगे छाती लुई अन छाती ड्रॉ ले ले लुई यो तो अन्य देखी एक छुटी लू टूर दी तंग 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 लू रो। तो अभी हम पानी डाल के आटा गूंदे। आटा गूंदने की तरीका सेम ही है जैसे नॉर्मल आप लोग आटा गूंदे ना वैसे ही है हम रोटी का आटा गूंदने का। नुमतीस जुरो अन्य कमें नी सुन सीधा दियो इसको गुनो 2-3 मिनट तक थोड़ा तेल लगा के। अब ऐसे करके कवर करके रख दो 15 मिनट जितना ना 10-15 मिनट।
इसके बाद हम ये बनाते हैं चिली पेस्ट बनाते हैं तब तक के लिए ना थैंडी चीनी कम चुना शरा टिश्यू पेपर मंजो सिविन दिशा ओके गाइस सो अभी हम लाफिंग चिली बनाते हैं चिली पेस्ट सो इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है आप जितना चाहिए वो बना सकते हैं ये मैं यहाँ दो चिली मिक्स कर रहा हूँ ये वाला थोड़ा नॉर्मल चिली है ये थोड़ा स्पाइसी है और ये थोड़ा नॉन स्पाइसी है ये कश्मीरी चिली है तो इससे थोड़ा कलर आने के लिए ना तो ये मिक्स कर रहा हूँ मैं ये दोनों ना तो दिन ना लेंगे लाफिंग गज सिबिन सोए लाएंगे सिबिन ना नी टेरे तांग योरे चिक दी खाचाओ योरे चिक दी खाचाओ मेजो दी हो टू टी स्पून एन मा टू टी स्पून दी सुशां पेपर है ये तो ये सुशां पेपर ये आपको इसके लिए फ्लेवर चाहिए चाहिए वैसे ना तो थोड़ा सा नमक डालो सेसमी सी थोड़ा सा डालो कि इसे देखने में भी अच्छा है और इसका पेस्ट बना के थोड़ा डालेगा और टेस्ट बढ़िया लगता है अब इसमें मैं डाल रहा हूँ गार्लिक या मैंने गार्लिक थोड़ा चॉप करके रखा है तो हम गार्लिक को थोड़ा अच्छा से ना ब्राउन होने तक इसका फ्लेवर आने तक फ्राई करते हैं ना मेरे छोक होता तो ये गरम गरम अब इसमें जाएगा पहले आधा डालो फिर इसको मिक्स करो तो ये चाहिए तो आप ये गार्लिक है ना इसको निकाल सकते हैं छान सकते हैं पर मैं इसमें साथ में डाल रहा हूँ क्योंकि वेस्ट ना हो ना तो ये अच्छा से मिक्स करो और इसमें मैं थोड़ा सा ना 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ थोड़ा कलर अच्छा आने के लिए ना और साथ में मैं ये यहाँ डाल रहा हूँ 1 टेबल स्पून विनीगर तो इससे क्या होता है विनीगर डालने से हम लॉन्ग टाइम तक है ना ये रख सकते हैं ख़राब नहीं होता है हमारा चिली पेस्ट रेडी है अब ये चिली पेस्ट आप खाना में डाल सकते हैं डायरेक्ट खा सकते हैं ये मोमो चिली पेस्ट में भी जाएगा ये ओके गाइस सो अभी हमने चिली भी बना लिया अब आते हैं हम रोटी बनाते देखते हैं ये 15 मिनट किया है तो हम जो भले दी क्या रहे हो तो दिल मंगू शरण्य हो मेरे मन जो टिंगो डोसो है मारा उन्हें जानी तो रोटी बनाने का तरीका सेम है एक चीज़ याद रखना है आपको ज़्यादा पतला नहीं बनाना है भले का जो सप्ताह सोए छंगमा चिकपा डोरे अनिता दी भले दी तीस थू को शायद हो तो रोटी पकाने की स्टाइल सेम ही है बस इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि ये थोड़ा मोटा है ये नॉर्मली रोटी से भी थोड़ा मोटा है ये ना तो मैंने ये अभी मीडियम लो फ्लेम में रखा है क्योंकि ये थोड़ा मोटा है ना पकने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए तो भले दी था सो अब हमारा रोटी खाने के लिए रेडी है तो हम जो लाफिंग दिए था सो अनि दे चुजे सुम शाई तो दीदी परफेक्ट चाहिए रे तो अभी हमारा लाफिंग भी हो गया है अभी इसको हम उल्टा करेगा इसको निकालने का तरीका ऐसे तो हम जो दी लाफिंग दी परफेक्ट चाहिए थे तो दीदी धनिया नियम दो ये जो दी रे तो लविंग दे छा सो भले छा सो सिविन सुदान छा सो तो छंगमा छा सो यो ओके तो अभी हमारा पूरा रेडी है अब बस इसको क्या करना है हमें सर्व करना है तो कैसे खाना है इसको तरीका आप सिखाते हैं ना तो हम जो भले दीदे तो भले दीदे सब सब छाए रे तो दीदी ने खा शारा तो ये है हमारा रोटी अब इसको हमें बीच में से काट लेता हूँ তেগে সোজ সিবিন দিলে দিলে তা সিবিন দিয়ে সুসু খা ছালে সুসু দেবার রে তো ইয়ে হে পেলে জো পেলে বানায় ও চিলি হে তো আপ ইসকো চিলি আপনা হিসাব সে ডাল সকতে তো ইয়ে রোটি কে উপর থোড়া ডালো
और पहले ये चिली थोड़ा लगा लो ना। अगर आप थोड़ा स्पाइसी कम खाए तो ये थोड़ा कम लगाओ। ओके तंग जो लविंग दिवे इंडी रंग तुबे दया पले का साइज रहो। तो ये काटो इसको ना ऐसे, इसको आराम आराम से काटना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे चाकू भी तेज नहीं है। ऑलराइट भाई ये हो गया ऐसे, ये ऐसे रखो। तो थोड़ा सी इसको ना बीच में से ऐसे काट दो तो सॉस है ना इसके अंदर जाएगा ना, इसलिए तब जो लंगे अरे ती तीस तीस तुब या ती तुब ना खा चेन ना ती सॉस ना नाउलो ठुई रहो ना दीजिए ना। तो ती ना सेवन तीस लू रहो, थोड़ा सा चिली पेस्ट डालो, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाइट सोया सॉस विनीगर और थोड़ा सा गार्लिक वाटर डाल के सब डाल के मिक्स करो ना। तो यहाँ एक चीज़ मैंने स्किप की है वो है अजीनोमोटो, और अजीनोमोटो आप चाहिए तो ज़रूर डाल सकते हैं। वैसे आप बाहर खाएगा तो ना हर जगह वो लोग डालता है, पर मैंने यहाँ स्किप किया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था। अनि दिन लगे विजिंग दी स्किप चाहिए, अनि विजिंग दी के कोना खेरा जो लू ने था। थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सेसमी सी और स्प्रिंग ऑनियन डाला मैंने ना। तो अभी हमारा ये लफिंग वाली रेडी है खाने के लिए ना। तो एक तरीका ये हो गया है तंग जो का जी लफिंग वाले दी छा सो तो दीदी एंड रंग सह रहे हो तीवा दी सूप ये जो दी सोए। तो अभी हम बना रहे लफिंग सूप वाला, तो इसको अभी बाइट पीसेस काटो। तो इसके शेप आप जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं। तो दीदी तुम्बू तुम्बू तुब रहो, थोड़ा सा हम इसमें डालेगा चिली पेस्ट। तो चिली अपना टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कैसे स्पाइसी चाहिए। दो टेबल स्पून सोया सॉस डालना है इसमें, और वन टेबल स्पून विनीगर, और थोड़ा सा गार्लिक वाटर इसमें ज़्यादा जाएगा, थोड़ा सा नमक, और इसका सीजनिंग पूरा सेम है वैसे ना, तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा बस, बाकी सेम है। अब हमारा सूप वाला लविंग भी तैयार है खाने के लिए ना। अगर आपके पास पीनट्स है तो पीनट्स थोड़ा डाल देना इसके ऊपर है ना टॉपिंग के लिए, उससे और टेस्ट बढ़िया लगता है। फिलहाल मेरे पास नहीं है, आपके पास है तो ज़रूर यूज़ करना। तो हमारा लविंग अब खाने के लिए रेडी है, और साइड में मैंने थोड़ा साइड डिश वगैरह भी बनाया है क्योंकि जब भी आप लविंग खाएगा ना पेट खाली है और थोड़ा स्पाइसी और खट्टा ऐसे जाएगा तो ना थोड़ा पेट पेन होता है। तो इसलिए ना इसका तरीका जब भी लफिंग खाएगा तो साइड डिश कुछ ना कुछ ज़रूर खाना इसको ना, तो इससे हमारे पेट को भी हार्म्स नहीं होता है। तो ये था मेरा आज का रेसिपी गाइस। तो आशा करते हैं आप सबको मेरा रेसिपी यूज़फुल हो और हेल्पफुल होगा। और तो आज का रेसिपी कैसा लगा आप सबको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लेके बताना, और कैसे है आज का रेसिपी और मेरा हिंदी में सिखाने का कैसे है, आपको यूज़फुल हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी ज़रूर लिख देना। तो दैट्स इट फॉर टुडे रेसिपी गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी फॉर मोर रेसिपी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। तो धीरेगा जी जो लफिंग भले लय देता एंडे डो रे अंगे एंडे डो सर्व चीयो अंदीन यम दो यंग जो खरे शोगो ट्राजो यन दी सने शिम्बो यो रे लस यमदो तंग ओन दी ट्राए दे राम सो इन्हें शोगो ट्राजो का जी रेसिपी को ना यो रे खेरा जो यो तो धीरे फेल एंडे सब शोगो रे लस यो एंड धीरे आराम से खरी ये बदी ओन दी एंडे डो सब छे शकम्बू तेस मेल टाई एंडम दुनिये वायो तेस तो यो अन्य जो लविंग खदी सवा इन्हें यो छोगो तोंग मसाओ जी दिन जम दो खरी ने साइड डिश तो सना जो फोल ने इम दो ओन दी जेनी यो तंगारा एंडी डो सर्व छी या अनि दिङ अनि निन्दु दि न थारा यि अनि त केसे खेलाउ जुल दिङ अनि निन्दु दि फेन थोइ न अनि कुछि फा जु तंगे तंग ए याबु दे मिन्दु अनि कमेन्ट न शेयर छि अन छंगमा लङे निन्दु सि वदि ल थुछि छ न अन जिमा विदु न छि छंगमा ला बाय।